हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आई एक्साम बी आई होप आप सब अच्छे हैं यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्ज़ामिनेशन तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि सेवन फरवरी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो एज़ यू ऑल नो मैं हमेशा याद दिलाता हूँ बी डाउनलोड करो पी डी डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एंड आई नो आप शायद ये कर भी रहे हो बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग अप तो आपको ये करना पड़ेगा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बिफोर आई मू वॉन्ट नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको ये याद दिलाता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट मुझे पता है कि मैं आपको डेली याद दिला रहा हूँ इस वजह से बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट दिस टू डॉक्यूमेंट इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज बिकॉज दिस टू डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन दैट यू वुड एस्पायर टू गिव इन दिस कैलेंडर ईयर तो ये बहुत जरूरी है कि इसको आप अभी ख़त्म कर लो सो लेट्स मूव टू यू नो न्यूज़ द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग अदानी ग्रुप देखो अदानी ग्रुप के न्यूज़ हम कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं इट्स नॉट अबाउट ए ग्रुप न्यूज इट्स अबाउट द न्यूज यू नो विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम ए एग्जाम परस्पेक्टिव देखो यहाँ पे भी हमको कुछ चीज सीखने को मिलेगा आपको ध्यान होगा दो तीन दिन पहले आर बी आई हैज दी बैंक्स मतलब बैंकों को पूछा गया उनका एक्सपोजर कितना है देन स्टेट बैंक बी ओ बी पी एन बी ये सारे लोगों ने मिलकर बताया कि दे हैव समवेयर अराउंड एटी थाउजेंड करोड़ का एक्सपोजर तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अदानी ग्रुप जो है जिनका मतलब जो लोन सेप्टेम्बर दो हजार चौबीस में मेच्योर होने वाले थे वो सारे लोन को उन्होंने प्लेज जो शेयर किया था मतलब वो कोलेट्रल था उनके कंपनी का शेयर ही कोलेट्रल था वो कोलेट्रल को उन्होंने रिलीज कर दिया है सो इट हैज एक्चुअली प्रीपेड 1.1 बिलियन अहेड ऑफ देयर मेच्योरिटी सो दिस इज ए ह्यूज स्टेप टू इंफ्यूज द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस राइट तो ये सारा चीज आपको समझना है ठीक है सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू एम ओ यू तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने एक एम ओ यू साइन किया किसके साथ नेशनल इंटरएक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ नेशनल इंटरएक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म तो इससे होगा क्या इससे टू बिल्ड ए नेशनल लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म विल होस्ट डिजिटल लाइब्री लाइब्रेरी ऑफ क्यूरेटेड मल्टीफॉर्मेट मटील्यूनिकल कंटेंट हेल्प एक्सटेंशन वर्कर एक्सेस एंड डिलीवर क्यूरेटेड कंटेंट टू फार्मर ऑन टाइम एंड आप स्किल दास्ट नेटवर्क ऑफ एक्सटेंशन वर्कर फॉर एग्रीकल्चर मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छे से फोकस करेगा सो so दैट वो जो फार्मर है वो टाइम पे उनको वो प्रॉपर स्किल मिले बिकॉज देखो फार्मर की अगर हम बात करें उनके इनकम की बात करें तो उनका इनकम एक ही तरीके से बढ़ सकता है कि उनका जो प्रोडक्शन uh, है वो बढ़ जाए और जो प्रोडक्शन का वैल्यू है वो सही मिले उनको तो उसके लिए उनको स्किल्स चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दे विल हैव टू यूज़ दी टेक्नोलॉजी दे विल हैव टू यूज़ यू नो मल्टीपल मॉडर्न मेथड्स ये सारे कैसी चीज़ें उनको पता चलेगा ये पता चलेगा विद दी हेल्प ऑफ कंटेंट मतलब उनको वो नॉलेज गैदर करना है उनको आप स्किल करना है तो ये प्लेटफॉर्म उनको उस स्टेप में हेल्प करेगा ये ध्यान देने वाली बात है बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ वो है हल्स हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तो देखो ये न्यूज़ हमने कल भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नेशन को डेडिकेट करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पे तमकुआ कर्नाटका ठीक है इट इट तो ये एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्लांट है यहाँ पे लाइट एल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का मतलब जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है राइट जो तेजस है हल तेजस उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा एंड भी अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होंगे फिक्स्ड ठीक है रोटेड विंग एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको तो ये आपको ध्यान देना है जगह भी आपको नोट कर लेना है नेक्स्ट है युवा संगम युवा संगम जो पोर्टल है ये लॉन्च हो गया किसने लॉन्च किया ये लॉन्च हुआ है आई न्यू दिल्ली ने ये इनिशिएटिव किसका है प्राइम मिनिस्टर का टू बिल्ड ए कोस्ट टाइस बिटवीन द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड रेस्ट ऑफ इंडिया तो ये जो युवा संगम है ये एक्चुअली किसके लिए है नॉर्थ ईस्ट रीजन ये आपको ध्यान देने वाली बात है लॉन्च इन द ग्रेसियस प्रेजेंस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मतलब ये जिनके ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसके लिए है ठीक है तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे न्यूज की तरफ यू हैव प्रोजेक्ट अंडर ट्राइबल थीम देखो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने चार प्रोजेक्ट को सेंक्शन किया है अंडर द ट्राइबल थीम एंड दो प्रोजेक्ट हुगल थीम में किया है अंडर कौन सा स्कीम स्वदेश दर्शन स्कीम ठीक है स्वदेश दर्शन स्कीम तो बढ़ते हैं आगे और इस देखते हैं कहाँ कहाँ पे किया देखो ये चार प्रोजेक्ट है ये नागालैंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना एंड नागालैंड में हुआ है और बिहार एंड कर्नाटका में हुआ है ये कब कब हुआ है ये आप देख सकते हो मतलब दिस इज ए रिप्लाई टू दी पार्लियामेंट तो आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि आपको ये सब नाम पूछ सकता है कि स्वदेश दर्शन स्कीम में कितने रूरल प्रोजेक्ट है या कितने ट्राइबल सर्किट प्रोजेक्ट है तो यह आपको ध्यान देना होगा ये है ट्राइबल ये है रूरल दो है रूरल चार है ट्राइबल टोटल छह प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फर्स्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग देखो मैं जी का हमेशा बताता हूँ कि जी आपको कंफ्यूज करेगा एंड सवाल भी आएगा इससे ये फिर से देखो फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग एट द जी ट्वेंटी टू स्टार्ट टुमारो एट टूमोर ऑफ कच्छ गुजरात और कुछ नहीं है देखो ये आपको सिंपल पूछ लेगा कहाँ पे हुआ है एंड इतना सारा मीटिंग होगा आप हो जाओगे कन्फ्यूज यू आर नॉट फॉलोइंग इट प्रॉपरली ठीक है ग्लोबल टूरिज्म समिट भी होने वाला है मई अप्रैल दो में उसके बाद जो फाइव प्रायोरिटी सेक्टर है वो है ग्रीन टूरिज्म डिजिटलाइजेशन स्किल्स टूरिज्म एमएसएमई राइट right, तो ये सारा प्रायोरिटी सेक्टर है ये आपको ध्यान देना है इसका थीम भी आगे, आगे आपका दिया हुआ है विद दिस वी आर डन फॉर टुडे लक्ष्मी टुमारो मॉर्निंग वन सेकेंड टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर आई कैन बी हेल्प यू प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्टर